क्या करने जा रहे हो? नानी के घर। नानू के घर जा रहे हैं? मम्मा सुबान आप किधर जा रहे हैं? नानी के घर। सलाम तो करो। नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह फजर ने जी नए कपड़े पहन लिए। इधर दिखाओ कपड़े। वाह ऊपर को चल चल बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जाएंगे फजर की नानों के घर, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तैयारी शैयारी हमने कर ली है, बच्चे जो है ना इनको भी मैंने तैयार करवा लिए। तो आज ईद का तीसरा दिन है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो सेकंड टाइम की ईद। अभी ये समझ लें आज आखिरी दिन है, और टाइम भी समझ लें अभी जा रहे हैं, शाम होने वाली है। तो अल्लाह पाक ये खुशियाँ फिर से सबकी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि जो है हाँ जी ईद मुबारक, ईद सबकी फिर से जो है ना ये वाली खुशियाँ लेकर है। बाकी अभी जी बातें जो है वो कम करते हैं और मैं सारी चीज़ें जो है वो समेट लेती हूँ, क्योंकि तारिक साहब कहीं गए हुए थे, अभी वो आए हैं। तो मैंने बच्चों की पहले ही तैयारी करवा ली थी, लेकिन चीज़ें जो है ना वो नहीं समेट के रखी थी। तो पिछली बार भी सभी बोल रहे थे कि आप ये चीज़ें जो है वो नहीं लेकर गई। आज पंखा ख़राब हो गया था, इसलिए फिर हमने इसकी ना डायरेक्ट तारें जो है वो सोलर पर लगा ली थी। ये चीज़ इसकी काम नहीं कर रही थी ये वाला। तो सबसे पहले तो हम पंखे को अंदर रख लेते हैं। फजर बेटी नहीं करो, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो। तेल वाली केन है ये बहुत। साइड पे हो, साइड पे। ये तारे वगैरह जो है ना ये भी लपेट के रख देते हैं। और चलो सही, ये अभी इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया, शीशा तोड़ दिया फजर और मोहम्मद सुबान दोनों बहन भाई मिलने, क्योंकि फजर जो है वो यहाँ पे बैठी हुई कर रही थी मेकअप। चल कर लिया ना, पर साइड पे हो जाओ, खड़े हो जाओ मोहम्मद सुबान। कपड़े खराब कर रहे हैं, खड़ा हो जा। नाल जावने, ये भी तैयार हो गए ना। इसको भी ऊपर से जो है ना ढक देते हैं, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं चलता। और ये मेन मेरा चूल्हा, इसको रख देते हैं अंदर। ये लेकर तो किसी ने नहीं जाना, लेकिन बारिश की वजह से फिर ख़राब हो जाता है। उठ जाओ सुबान, बस बच्चों के यही काम होते हैं। अभी मैंने इनको पहनाए और अभी इन्होंने ख़राब कर देने। उठी खलो, पानी जो है वो भी पी लेते हैं। और साथ में मैंने डॉगी को जो है कुत्ते को दूध भी डाल दिया और रोटी भी। ये इसका शाम का खाना है, इससे पहले भी मैं इसको रोटी डाल चुकी हूँ और दोपहर में भी डाल चुकी हूँ। इंशाल्लाह भी कल सुबह तक हम लोग आ जाएंगे। तो वैसे भी ये इधर उधर भी घूम फिर लेती है ना, वो इधर एक कुत्ता फिरता है ना हमसायों का, तो उनके साथ चली जाती है, खा पी लेती है। ये भूखे रहने वालों में से नहीं है। शैम्पू और साबुन, ये लो पानी पी। सुबान पानी मांग रहा था, मैंने कहा इसको पानी पिला लेते। तो अभी जी हम लोग जो है ना तैयार हो चुके हैं और तारिक साहब जो है ना वो अभी फिर से निकल गए। मैंने सारी चीज़ें जो है वो समेट के रख ली हैं और कपड़े वगैरह जो है ना वो भी पैक कर लिए हैं, जो धोने वाले थे ना वो भी उठा लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा वहाँ पे जाके जो है ना अम्मी के पास जो है वो धो लेंगे। हाँ जी, क्योंकि ईद पे जो है बच्चों के कपड़े थे दो तीन दिन के जो है ना, तो वो भी। हाँ जी बाबा आ रहे हैं अभी, बस वो उधर काम से गए। तो अभी हमारी ये दो चीज़ें रहती हैं, ये दो तकिए और ये वाली कुर्सी, ये वाली इधर ही पड़ी रहेगी चारपाई।
जाते हैं जाते हैं, तो जाते हुए सारी चीज़ें ऐसे बंदा बखेर के जाते हैं ना, समेटनी पड़ती है। अभी सारी चीज़ें फेंक रहे हैं हम लोग, इधर कुछ इधर चीज़ें फेंक रहे हैं। नहीं करो मिस्त्री भाई। तो अभी जी मैं, फजर, मोहम्मद सुबहान हम लोग तैयारी कस के बैठे हुए हैं, अपनी पोटलियाँ छोटलियाँ बना के। और अभी जैसे ही तारिक साहब आएंगे ना तो हम निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया, अभी तक आए नहीं है। तो फजर बोल रही थी कि बाबा अगर आप शहर चले गए तो आपने आना ही नहीं। चलें जी, अभी तो अभी तारिक साहब जो है ना वो आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। फजर मोहम्मद सुबहान जो है ना वो बैठ गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ। कुछ सामान जो है ना वो लेकर गए हैं, पहले मोटरसाइकिल के साथ लटका दिए। चलो, तो अभी जी हम लोग जो है ना जा रहे हैं और मौसम फिर ख़राब होता है यार, बादल बनते जा रहे हैं। और इस साइड पे माशाल्लाह सूरज जो है वो बादलों पे छुप रहा है, ये नहीं कि रुक हो रहा है। तो आप लोग भी सोचेंगे कि हम लोग जो भी हम लोगों के यहाँ निकलते हैं तो हम इसी टाइम ही निकलते हैं, क्योंकि देखो गर्मी होती है इसलिए दरिया क्रॉस करना होता है। दरिया की गर्मी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। चेक करें जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्यू है और सरसब्ज जो है ना खेत हैं और साथ में नीला नीला आसमान और साथ में ये पीली पीली सी सूरज की रोशनी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। तो बस यही होते हैं गांव के नज़ारे जो बहुत खूबसूरत लगते हैं और सुकून होता है ऐसे। अभी इस टाइम जो है ना हर कोई जा रहा है चारा लेने के लिए, तो ये बैलगाड़ी तो चारा लेने जा रहे हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं दरिया पे। तो आज दरिया में बहुत ज़्यादा पानी है, चेक करें इस साइड पे भी और इस साइड पे, इसमें मर रहे हैं। तो पानी ज़्यादा आ गया लेकिन कटाव जो है मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया है ना, पानी बहुत ज़्यादा आ गया। अभी हम लोग जाना है इस रास्ते से जा रहे हैं, वो कश्ती जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है। अभी थोड़ी कश्ती इधर आ गई, बहुत ज़्यादा पानी है आज, तो पानी को देख के ना डर लग रहा है। पहले बहुत कम होता था जब भी हम लोग आते, 15 फुट नहीं बल्कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पे। तो हाँ जी, जजीरा नमा बना हुआ है ना बीच में यहाँ पे। हम लोग इस पार हैं, वो साइड पे जो है कश्ती, ईद पे लोग इधर उधर जाते हैं ना इसलिए। आज ये ससुराल डे है अल्लाह, सही तारिक साहब जो है ना वो बोल रहे हैं कि आज ससुराल डे है, ईद के तीसरे दिन लोग ससुराल जाते हैं। ये तो पानी भी कि फिरदा पे है ना, घुमाटियाँ लेता पे समझो, यहाँ पे इतना ज़्यादा गहरा है ना जहाँ पे घुमाटियाँ ले रहा है। इस साइड पे जो है ना अम्बाद के खेत को, गन्ने के खेत को स्प्रे किया जा रहा है। और इस साइड पे है जी कश्ती, उस साइड पे खड़ी हुई है। आज पानी बहुत ज़्यादा है दरिया में, जिसकी वजह से कश्ती इधर उधर लेकर जाना भी मुश्किल हो रहा है ना तारिक साहब। तो हवा जब चल रही हो तो कभी भी कश्ती में ना बैठें, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही बुरा एक दफ़ा हमारे साथ हुआ था, तो इसलिए अभी बहुत मुश्किल से ये इधर आएगी। तो कश्ती जो है ना उसमें मुसाफिर ज़्यादा बैठ चुके हैं, लेकिन वो जो भाई हैं कश्ती चलाने वाले वो बोल रहे हैं कि कुछ उतर जाएं, क्योंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मेरे लिए कश्ती उस पार लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो बस यही बहस चल रही है। तो आज तो मुझे भी डर लग रहा है कि हमने आज नहीं आना था। बाकी चलें जी, अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो अभी कश्ती पता नहीं भाई जो हैं वो चलाते भी हैं या नहीं चलाते हैं, इधर लेकर आते भी हैं, क्योंकि पानी चेक करें कितना तेज़ पानी है ना यहाँ। तो अभी जी फ़िलहाल जो है ना अल्लाह अल्लाह के करके कश्ती जो है वो चल पड़ी है और अभी इस पार आ रही है। अभी जैसे ही आती है तो हम लोग भी बैठते हैं, तो अल्लाह करे इस साइड पे मुसाफिर कम हो, वरना फिर उधर जाते हुए थोड़ा मसला बनेगा। ये है कि पीटर लगा हुआ है तो उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन पहले जो है ना तेज़ आ रही है काफ़ी ना रफ्तार इसकी। तो अभी बस पहुंचने ही वाली हैं, इधर से उधर जानी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन पानी का बहाव इस साइड पे था इसलिए कश्ती जो है ना वो इस साइड पे आ गई है। तो बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है, अभी सभी लोग जो है ना वो अल्लाह लगा रहे हैं कि कश्ती दूर चली गई है, देखना इधर नहीं आ रही।
ये काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जब पानी ज़्यादा हो ना तो फिर जो है ना कश्ती मला के हाथ से क्या होती पंजाबी च बोलते हैं लुढ़ जाती, पंजाबी में वो बोलते हैं कि फिर वो हाथ से छूट जाती है, वो इतनी दूरों फिर ये पकड़ कर लेकर आते हैं। क्योंकि एक दफ़ा मैं अपनी नानी के साथ आई थी तो ऐसा ही हुआ था, उस टाइम हवा चल रही थी तो हवा में कश्ती को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी ये काम है बहुत मुश्किल, ये उनकी महारत है जो मल्लाह हैं कश्ती चलाने वाले उनकी। फाइनली जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मी जान के घर। वो शुएब भाई की माँ बैठी और उसकी आंखें जो है ना वो चमक रही हैं कितनी ऊपर बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैफ़ा खान आ गए, ठीक हो ले जी? वालेकुम सलाम, कैसे? तो एक एक करके ठीक ठाक। मुबारक, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। गिफ्ट में आप आया? अच्छा, पहले गिफ्ट पहले गिफ्ट लेकर खड़े हुए, ठीक है? मुबारक, गंजा करवा लिया? मैंने गंजा करवा लिया। खैर मुबारक। ये देखे भाई सारे बंदे जो है ना तारिक साहब को आगे मेरे ख्याल में आने भी नहीं दे रहे, उधर चले गए। ईद मुबारक, ईद मुबारक कह रहे हैं। मैंने कहा आज पता चला है कि ईद है ना, सारे बच्चे जब बोले ना। फजर चलो मिलो आप ही को, सबको मिलो। अस्सलाम वालेकुम, स्वाद आ गया, ठीक हो? चलें, वाह माशाल्लाह काफ़ी चेंजिंग हो गई। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना अम्मी जान के घर में पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह देखें कितनी चारपाइयाँ लगी हुई हैं, इधर भी लगी हुई हैं और इधर भी यहाँ पे भी जो है ना ऐसे काफ़ी सारी लगी पड़ी हैं। शाहजेब से मैं वो गिफ्ट ले लूँ ना, उसने आते ही मुझे दिया था, दे दो फिर। दे ले कि कोई नहीं? दे ले। चलो फ्रिज में रखो, फिर इसका जूस बनाएंगे। रात का खाना, तो रात के खाने में जो है चावल हैं, साथ में सालन रोटी और आम। आम तो आपको पता है आजकल फिर चल रहा है तो वो भी साथ में। तो मैंने जो है खाना खा लिया इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि भाभी ने खाना दिया है तो मैंने खा लिया। मेरे पास ठंडा ना हो जाए, अभी दोबारा से गर्म किया क्योंकि तारिक साहब जो है ना वो कर रहे थे वीडियो अपलोड ऊपर छत पर, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा होता है ना, जैसे हमारे पास है ऐसे ही है। वैसे तो भाई नहीं लगवाए लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा जो है ना मसला बन जाता है। तो अभी उन्होंने वीडियो अपलोड किया तो अभी वो आ चुके हैं तो उनको देते हैं खाना। मैंने कहा ये चीज़ भी शेयर कर देते हैं, अभी सभी कहेंगे कि क्या आपने जो है ना वहाँ पे कोई खाने शाने की वो रूटीन नहीं है हमारे साथ शेयर किया। ये जी मोहम्मद सुबहान ऐसे ही लगा हुआ है, ये चावल भाई की वीडियो अपलोड नहीं आई कर रहे हैं वो नहीं आया। इकट्ठे बैठ के खाएं तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पर सभी इकट्ठे हैं, ये नहीं सोचना कि बस हम लोग भी ऐसे लगे बैठे, बल्कि इधर जैसे जितनी चारपाइयाँ मैंने दिखाई थी ना सभी पे हर कोई अपना आम रोटी तंदूरी जो है ना वो लेकर ऐसे बैठा है और खा रहा है मज़े से।